डॉक्टर सड़कों पे क्यों हैं सर? देखिए साहब, राजस्थान में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, पेशेंट बहुत अच्छी तरह से ट्रीट हो रहे थे, डॉक्टर अपना काम बहुत अच्छी तरह से कर रहे थे, सरकारी योजनाएं चिरंजीवी RGHS सब अच्छी तरह से चल रहे थे। लेकिन एकदम से जैसे इलेक्शन ईयर आया तो गवर्नमेंट के दिमाग में आया कि कुछ न कुछ करें, वो एक वाहियात तरह का RTH बिल ले आई जिसके अंदर किसी गायनी के पेशेंट को हार्ट का पेशेंट देखना पड़ेगा, किसी स्किन वाले को न्यूरो सर्जरी का पेशेंट देखना पड़ेगा, उसमें अगर कोई गलती होती है तो रोज की रोज नए नए न्यूसेंस क्रिएट होंगे हॉस्पिटल्स के अंदर। और इसका मतलब सरकार चाह रही है कि ऑलराउंडर बने डॉक्टर्स, मतलब कुछ भी पेशेंट कोई भी आ जाए उसका डॉक्टर्स इलाज कर पाए। देखिए, एक NMC होता है, रूल्स के अंदर जो भी स्पेशलिटी का डॉक्टर होता है वो अपनी स्पेशलिटी के पेशेंट ही देख सकता है, लेकिन इस RTH के अंदर इस रूल का उल्लंघन किया गया है और अब कोई भी इमरजेंसी कोई भी किसी भी डॉक्टर को देखना पड़ेगा। इससे पेशेंटों का ही नुकसान होगा, इसमें डॉक्टरों का नुकसान तो है ही है, साथ में राजस्थान की बोली वाली जनता का भी नुकसान है। ये सिर्फ वोटों की राजनीति के लिए RTH भी लाया गया है। देखा गया है कि मतलब डॉक्टरों ने ठेले लगाए, नींबू पानी बेचा, पानी पूरी बेची, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो साहब, आप राजस्थान में आज RTH बिल ने ये हालत कर दी कि डॉक्टरों के लिए अपने अस्पताल खोलना बहुत मुश्किल हो गया। आप ये मत समझें कि कोई भी डॉक्टर, देखो हम किसी भी व्यवसाय में रहते हैं और काफ़ी दिनों तक काम करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आज अगर हम बंद कर दें तो हमारे पास अर्निंग नहीं है। लेकिन जो परिस्थितियाँ इस RTH बिल के द्वारा पैदा की जा रही हैं राजस्थान में, यहाँ पैसा बहुत गौण मैटर है, पैसा बहुत बाद में आता है। पहली चीज़ है मरीज का और डॉक्टर के बीच का रिश्ता, जो इस बिल द्वारा ख़त्म किया जा रहा है। आज की तारीख में जो ये इमरजेंसी और जो ये कह रहे हैं कि आपको जो लोकल पदाधिकारी हैं वो निर्णय लेंगे आपने लापरवाही की है नहीं की है, अगर वो पर्सन मेडिकल फील्ड से रिलेटेड नहीं है तो वो कैसे जानेगा कि इस चीज़ में लापरवाही है या नहीं है? तो जब आप डॉक्टर का काम करना ही मुश्किल पैदा कर रहे हैं तो डॉक्टर अपनी डॉक्टरी कैसे करेगा? जब हम डॉक्टर नहीं रहेंगे तो हमें कुछ ना कुछ अदर व्यवसाय तो सोचना ही पड़ेगा। आज मुझे भी सोचना पड़ेगा कि अगर मैं अस्पताल बंद करने के बाद क्या करूंगी, तो अगर हमारे साथी लोग अपने लिए एक कोई सब्स्टिट्यूट ढूंढ रहे हैं, कुछ और सोच रहे हैं तो वो ठीक कर रहे हैं, क्योंकि राजस्थान में तो अब वो स्थिति नहीं रही कि एक डॉक्टर एक अस्पताल चला सके। और उसमें भी जब हम आज की तारीख में भी जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, इवन छोटे छोटे लेवल के जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, वो अपनी लिमिटेशंस में अच्छे से अच्छा इलाज दे सकते हैं। आज मैं मेरे साथी नाराज ना हो, लेकिन आज की तारीख में अगर आज भी, क्योंकि ये डॉक्टर्स की कमी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, आज की तारीख में भी मतलब सरकार को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, देखो मैं एक चीज़ बताती हूँ, आज की तारीख में अगर किसी पेशेंट को FHS नहीं आ रही है, अगर किसी पेशेंट की, अगर वो यहाँ के सबसे बड़े सेंटर जनाना हॉस्पिटल में भी पहुँच गया तो वो वहाँ जाएगा, दिखाएगा, वो इमरजेंसी में सोनोग्राफी लिखेंगे, इमरजेंसी वाला आएगा, USG करेगा, वो ट्रीट होगा। आज मैं दावा करती हूँ आज वो मेरे जैसे किसी भी या मेरे साथियों के छोटे अस्पताल में जाएगा, आपको वहीं गायनोकोलॉजिस्ट मिलेगी, वो इमिडिएटली अपने OPD में प्रेस्क्राइब करेगी, within 5 मिनट ये डायग्नोस हो जाएगा कि फीटल डिस्ट्रेस है, तो within 1 आवर उसका बेबी डिलीवर हो जाएगा। ये व्यवस्थाएँ आज गहलोत साहब अपने मेडिकल कॉलेज लेवल पर नहीं कर सकते। आज आप इस छोटी छोटी लेवल पे जहाँ मरीजों को अच्छा उचित इलाज मिल रहा है, इस स्ट्रक्चर को ही आप ख़त्म कर रहे हैं। आप इसके छोटे लेवल पर मत देखिए, बड़े लेवल पर राजस्थान में मरीजों को आने वाले समय में जो परेशानियाँ उठानी पड़ेगी उसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। हॉस्पिटल में रोज़ रोज़ छोटे मोटे गुंडे आएंगे, न्यूसेंस क्रिएट होगा, झगड़े होंगे, रोज़ डॉक्टर्स को कलेक्टर के चक्कर लगाने पड़ेंगे, अपना पक्ष रखना पड़ेगा, इसलिए उसका काम करना मुश्किल हो जाएगा। RTH की ये कई ऐसी समस्याएं हैं जिसके कारण से डॉक्टर परेशान होकर के यहाँ से पलायन करके जाएंगे। तो अगर डॉक्टर ही हड़ताल पर रहेंगे तो मरीजों का क्या होगा? देखिए, इसके लिए पूरी तरह से राज्य सरकार जिम्मेदार है। मैं दोबारा कहूँगा कि यहाँ डॉक्टर अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे थे, यहाँ RGHS भी चल रहा था, चिरंजीवी भी चल रहा था, पेशेंट भी खुश थे, डॉक्टर भी खुश थे, सब कुछ स्मूथली चल रहा था, लेकिन सिर्फ वोटों की राजनीति के कारण आखिरी वक्त के अंदर अंतिम समय चुनाव के टाइम में इस तरह का बिल लाया गया जिसके अंदर एक तरह से डॉक्टरों को विलेन बना दिया गया और अपनी राजनीति के लिए डॉक्टरों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है और उनके एक तरह से उसको प्रताड़ित करके अपनी राजनीति। लेकिन जनता कहती है कि मतलब मेडिकल फील्ड में अगर सबसे ज़्यादा काम किया तो गहलोत सरकार ने किया, बाकी किसी सरकार ने नहीं किया, तो इसके बारे में क्या कहना अच्छा, चाहिए? सर, अगर आप यही कह रहे हैं तो आज मैं पूछती हूँ, आज से 5 साल पहले इस राजस्थान में अगर नॉर्मल डिलीवरी ज़्यादा होती है या कैंसर के पेशेंट ज़्यादा हैं, है ना? आज
किसी चिरंजीव योजना में पूछ लीजिए, प्राइवेट सेक्टर में नॉर्मल डिलीवरी या सिजेरियन होते हैं क्या, बच्चेदानी का ऑपरेशन होता है क्या? पहले ये आज के 5 साल पहले जब सरकार नहीं आई थी, नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन सब कुछ चिरंजीव में होते थे और पेशेंट अपने लेवल पे प्राइवेट हॉस्पिटल में ये काम करवाता था और खुश रहता था। आज उसी आदमी को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, वहाँ पे क्योंकि वर्कलोड है, परेशान होना पड़ता है। तो आज मुझे ये बताएं कि ये सरकार इस चीज़ का जवाब दें कि आप पैसे तो ले रहे हैं लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जब आपकी जिम्मेदारी है सारा इलाज देना, तो वहाँ आप नॉर्मल डिलीवरी जो पहले ही फ्री हो रही थी उस पर चिरंजीव लगा के पैसे दे रहे हैं। तो चिरंजीवी के नाम पर 5 से 25 बता रही है सरकार की, 5 लाख से 25 लाख कर दिए हमने चिरंजीवी योजना में, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखो सर, ये भ्रामक प्रचार है। हर जो इस देश की आधी जनता है, हमारी बहनें हैं, हमारी माताएं हैं, उनको अपने जीवन काल के अंदर डिलीवरी करानी पड़ती है, ठीक है, बच्चे बंद का ऑपरेशन कराना पड़ता है, किसी किसी को हिस्टेक्टोमी करवानी पड़ती है। उन माताओं और बहनों को पूरी तरह से गहलोत सरकार ने अलग कर दिया, लाभ नहीं दिया उस चीज़ का और एक झुंझुना पकड़ा दिया 25 लाख। गहलोत सरकार तो कह रही है कि पूरे भारत में ही चिरंजीवी योजना जैसी लागू कर दी जाए। मेरी बात सुनो, एक 25 लाख का झुंझुना पकड़ा दिया, वो है आपके कैंसर होगा कोई बड़ी बीमारी होगी तो वो 25 लाख रुपए मिलेंगे। कितनों के कैंसर होता है, कितनों की बड़ी बीमारी होती है, माताओं बहनों आधी जनसंख्या को नॉर्मल डिलीवरी, ऑपरेशन से डिलीवरी, बच्चे बंद का ऑपरेशन, बच्चेदानी का ऑपरेशन, इनकी ज़रूरत पड़ती है, जिनको एकदम अलग कर दिया गया, प्राइवेट हॉस्पिटलों से अलग कर दिया गया, उनको सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पैकेज रखे हैं। इसलिए जनता की, सरकार की मंशा आम जनता की सेवा करने की नहीं है, उनको लाभ पहुँचाने की नहीं है, ये सिर्फ एक शातिर राजनीति है, हमारी राज्य की भोली भाली जनता को बेवकूफ़ बनाने की राजनीति है, हमारी भोली भाली जनता को डॉक्टरों के अगेंस्ट करके सरकार सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रही है। धन्यवाद।